सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज डेट है 13 जून ही है ना? रुको एक मिनट, है आज डेट है 13 जून 2021। आज सुबह बताऊं क्या हुआ, पर जहाँ गायें होती है ना, उनमें से हमारी एक गाय ने लकड़ी का ढेर था लगाया, उसको गिरा दिया। तो जिसकी वजह से मतलब वो गिराती रहती थी उसको, तो आज हमने सोचा कि सारी लकड़ियाँ उधर से उठा देते हैं, वो गिराएगी नहीं, और फिर हो गया बस वो वगैरह हमने उठाई है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, फिर मैंने सोचा कि नहा ही लेता हूँ, नहाने के बाद ही करता हूँ स्टार्ट। तो बस अब मैं नहा के आ चुका हूँ। अभी टाइम क्या हो रहा है वैसे, कुछ ज़्यादा हो गया, 2 बजे हैं तो टाइम हो गया 2:45 यानी 2:45। तो मतलब आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। वैसे बुला रहे हैं काफल खाने चलना, काफल वे। हाँ तो मेरे को इसमें जो भी है नहीं, मैंने बाद में नहीं, थोड़े से दो बस बस, फिर मैं बाद में भी लूंगा, ठीक है? मुझे मिल गया तेरे पापा का वो साथ नू बे तू। तो दोस्तों आज दोपहर को बना है सीरा, मतलब जो कि मीठा मीठा, और इधर मैंने चाय भी रखी थी कहीं, ये रही। तो इसको करते हैं एंजॉय। और ये अभी तो चाचू का फोन आ गया मेरे पास, अब थोड़ा वाइड एंगल पे शूट करते हैं। ले चाय रखी देखो, कितने मुल के खाया, खुद बनाए, खुद खाए, झूठ बोल रहा है, खुद बनाया इसने, खुद बनाया इसने। बहुत ही, एक तो ये सीरा बहुत ही मीठा होता है ना। तो अब चाय भी मीठी है ना, तो मेरे से सीरा भी नहीं खाया ना। मम्मी यारो मैं नहीं खाना, आलो खा लो आप। मम्मी वाले दो गोलियां पहले से दी रही, मेरे पास दो गोलियां पहले से है, कर ले लो मेरी। एक दो तीन लो लो, मम्मी मेरा भी ले, देखो मेरे पास किस गल कुंडी के नीचे को मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। चल आज टेंट बनाते हैं। अब आज का क्या है कंटेंट क्या रखना है टाइटल आज का कंटेंट? सच हुए टाइटल बड़ी अच्छा है, आज का कंटेंट है टेंट। हाँ दोस्तों, 4 दिन के बाद मैं इधर आ चुका हूँ, पर इधर एक गंदे इसने मचाया हुए देख, मतलब आपको तो दिख नहीं होगा ना क्योंकि माय कैमरा इज, मतलब क्या ही बोले दोस्तों, ये वो जिसे 3 साल पहले लिया गया था और उसी दिन खोला गया था जब एक घर को आया था, और उसके बाद 3 साल हो गई हैं, आज तक इसको खोला नहीं गया है। तो आज हितेश और मैंने क्या करना है, अनबॉक्स करना है, मतलब इसको हम लगाएंगे। तो जल्दी से शुरू करें। गर्मी इतनी भारी है ना, फाइनली हमने टेंट तो लगा दिया ना, पर इतनी गर्मी है, मतलब हितेश तो ना आ गया, जस्ट ये देखो पूरा ना आ गया, देखो पूरी गिल्ली हो गया इसकी टी शर्ट पसीने से। तो चलो हमने लगा तो दिया, मेहनत लगी शुरू में तो पता नहीं लगा हमें कैसे होगा ना। फिर हमने फिर बाई चांस हमारी जो इसका जो कवर है ना उसके ऊपर गई नजर, फिर तो चले आरो। सॉरी गाइस, चाचू का फ़ोन नहीं है मेरे पास, ना ही चाची का है, हितेश चेंज करो नहीं तो वाइड एंगल पे बढ़िया आता है इधर फुटेज। और फाइनली ये रहा, जा घुस जा अंदर गुफा में। ओ भाई अंधेरा ही अंधेरा है, वो देखो छोटी सी खिड़की भी दी हुई है पार। रुको इधर इधर कुछ है, अच्छा ये रुको इसको, इस लाइट स्टैंड को उठाना पड़ेगा, यहाँ पर है तो मैंने इधर रख दिया क्योंकि इधर आज हितेश के तो मजे लगे हुए हैं, पर गर्मी हितेश गर्मी से उबल जाएगा तू, दो आदमी आ जाते हैं अंदर। चल चलो दोस्तों अंदर जाके मैं देखता हूँ अब। रुक मेरी हाइट तो 6 फुट है लगभग, मैं कैसे आऊँ, मैं मेरे को तो टेढ़ा सोना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे सोऊंगा तो मेरे पाँव नहीं आएंगे, मेरे को ऐसे टेढ़े होना पड़ेगा डायगनल। खिड़की से कैसा दिख रहा है ना, सुंदर सा रोशनी आ रही है, मेरे को ऐसे सोना पड़ रहा है,
नहीं तो ऐसे सोऊंगा तो मेरे तो पाँव बाहर चले जाएंगे। इसका साइज मेरे को अभी भी थोड़ा छोटा ले रहा, पर दो आदमी के हिसाब से ठीक है। तीन आदमी आधे कमरे का एरिया से अपने को ले लिया है इस वाले टेंट ने, तो इतनी सी जगह में आ जाता है ये, जो कि काफ़ी है। पर इसको उठाना पड़ेगा इसको, इससे चेन बंद कर दिया। आज मतलब तू इधर से होने वाला है। बहुत गर्मी है भाई इसके अंदर, लिटरली बहुत गर्मी है अंदर इधर तो। तभी तो मैं ऊपर आने से मतलब आजकल कतराता हूँ, मतलब ऊपर आना ही नहीं है, इग्नोर मारो ऊपर आने को, इतनी गर्मी होती है ना। एक तो आज धूप भी देखो पूरी आँख ऊपर आ रही है। सूरज देवता बस ढलने वाले हैं कुछ देर में, और उधर चाचू वगैरह काम कर रहे हैं जो कि मेरे को बुला रहे हैं। पर चाचू को क्या पता मैं इधर भी रहे भाई अंदर ठंडा। ओहो भाई ये देखा क्या लग रहा है तू, पूरा मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब तू है क्या है तू भाई, तू खुद देखेगा ना, तू चकरा देगा देखो। बड़ा अजीब सा लग रहा है तू, अरे किसी और ही प्लेनेट से आया तू भाई, छोड़ दे भाई देखो तू देखे ना कसम से। बाहर आ जा, बंद करना है इसको, कर देना नहीं तब कल करेंगे। अरे पर चूहे वगैरह नहीं आएंगे इधर, कर देंगे बंद, तो बंद करना पड़ेगा। नितेश कैसा लग रहा है, तो मैं अंदर जा रहा हूँ बाहर आ रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ बाहर आ रहा हूँ, अंदर भी गर्मी और बाहर हमारे सूर्य देवता जी बस अपनी यूएवी रेज हम पर छोड़ रहे हैं और बस हम उबल रहे हैं गर्मी से। वो वीडियो देखी तेज कुदी चक्कर आ गया, देखा तूने कैसे लग रहा था तू, है ना पता है सच बोल, अलग जानवर लग रहा था, कुछ अजीब सा दिख रहा था तू, है ना। जब फोटो ले रहे थे तब मेरे को लगा मेरे क्या लग रहा है, फिर मैंने बोला था वैसा बना, फिर वो और पता नहीं अजीब सा है कुछ, मतलब टोटली वियर्ड। चलो इसको तो इधर रहने देते हैं, शाम का टाइम हो था हम चोरी छुपे आ गए थे, कल सुबह देख लेते हैं बंद कर देंगे इसको। पर अभी नीचे जाते हैं क्योंकि चाचू फोन कर रहे हैं मेरे को, तो क्योंकि शाम का टाइम और काम करने का टाइम है, तो चलते हैं नीचे अब। और जगह से खोलूं बस एक, रुको एक मिनट इस, हाँ चलो खुल गया, लाइट्स बंद, दरवाजा भी खोल दिया मेरे काम। सो भी आपको टाइम जान के रह रही होगी, अभी 8 बज रहे हैं और अभी जो पर अंगूर की बेल थी जो कि आपने देखी हुई है पहले से ऑलरेडी, तो वो बहुत फैल रही थी, तो उसके लिए डंडे वगैरह लगाए हमने ताकि वो उनके ऊपर फैले, नहीं तो रास्ते में आ रही थी, कहीं जा रहे थे कान से निकल जा रही थी, कहीं आँखों में, मतलब समझ रहे हो। मैं और रितेश ऊपर आए थे स्पेशली इस वीडियो के लिए, थंबनेल के लिए, मतलब इस वीडियो का थंबनेल खींचने के लिए हम आए थे। तो मान रहा था कि बोल रहा था मेरे दांत में दर्द, पता नहीं सच झूठ, वो तो ये बता सकता है। तो चलिए रितेश थंबनेल ले लेते हैं जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया होगा, तो लेते हैं हम थंबनेल, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ेंगे इधर क्योंकि अभी इसको टाइम लगेगा बांधने को, तो कल ऐसे भी कल इसके थोड़ी मस्ती करनी क्योंकि शाम के टाइम आज हमने बनाया था, तो थोड़ा मजे नहीं कर पाए। एक दिन हम चले जाएंगे 24 आवर्स घर काम कैसे करना है। चलो तेरी बात भी कभी ना कभी मान ही लेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो नीचे क्योंकि खुशखबरी, आपके पापा और मम्मी जी ने बोला है हितेश और मेरे को घास काटने आने के लिए, चलो तो चलो चलो। कुछ ज्यादा टाइम हो गया खाना खाते खाते, मतलब खाना नहीं खाया उससे पहले हमने घास वगैरह काटा, आज बहुत ज्यादा घास था। जो मैं बोल रहा था कि देश के दांत में दर्द लगी इस वाली साइड, तो वो उसको ज्यादा लग रही है, उससे पानी भी नहीं पी जा रहा, तो वो भी ब्रश कर रहा है क्योंकि उसने काफी दिनों से ब्रश नहीं किया था, क्योंकि घर पे था बस नहाता था, उसको बोलता था ब्रश करने को पर उसने काफी दिनों से नहीं किया था, तो अभी उसको ब्रश करवा रहे हैं, फिर क्या होता सुबह तक ठीक हो जाए, नहीं तो देखते हैं उसका भी थोड़ा मतलब देख ले जाएंगे उसको हॉस्पिटल, उसको यहाँ पर दर्द लगी है, ठीक है। अब कैसे वैसे दर्द है, इसको गर्म पानी दिया हुआ, नहीं तो ठंडा तो इससे पी नहीं जा रहा बेचारे से। अभी आके मैं इधर हो जाएगी मेरे ख्याल सुबह तक ठीक है, क्योंकि मतलब ठंडा पानी नहीं पिया जा रहा उससे गर्म तो पी ले रहा है। तो एक तो आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है, 9:38 या 40 समथिंग इतने टाइम हो गया अभी तक, एडिटिंग में भी कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। बस आज के ब्लॉग में इतना ही, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। ज़्यादा बात नहीं कर सकता मैं, जल्दी सो जाता, गुड नाइट।